भागवत को प्रचार करते करते लोकनाथ महाराज पदयात्रा करते थे। ये पदयात्रा मायापुर पहुंची रात को 11 बजे। उनके दो बैल थे और पीछे गौर निताई के विग्रह और भागवत पुस्तक का वितरण और हरिनाम संकीर्तन। तो 11 बजे पहुंच गए वहां, नवयोगेंद्र महाराज कीर्तन कर रहे थे मंदिर में। आप तो जानते हैं नवयोगेंद्र महाराज एकदम हम उनके साथ कीर्तन करते हम थक जाते, महाराज जी नहीं थकते। तो महाराज जी मंदिर में कीर्तन कर रहे थे, हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज आए। अब दोनों कीर्तन सम्राट मिल गए। अब 11 बजे जो कीर्तन प्रारंभ हुआ, 12:30 रात की बात है, 12:30 बजे तक एकदम नाम संकीर्तन हरे नाम एव केवलम चल रहा है। वहां हरीशोरी प्रभु जी जो प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट थे वो बोल रहे, अरे क्या चल रहा है प्रभुपाद जी सोए हैं, बंद करो ये सब। ये खत्म नहीं हुआ, ये कीर्तन करते करते ऊपर आए प्रभुपाद जी से मिलने। हरीशोरी जी दरवाजा खोलकर बाहर खड़े हो गए, अरे चुप करो 12:30 बज गए, प्रभुपाद जी को सोना है, क्या कर रहे हो, बंद करो कीर्तन बंद करो। तो एक दो करताल कम किए पर कीर्तन चल रहा। और हरीशोरी जी प्रभु ऐसे खड़े हो गए, यू कांट मीट प्रभुपाद नाउ। भक्त उनके हाथ के नीचे सिर के बाजू से ऐसे देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी का दर्शन हो। और उसी समय प्रभुपाद जी उठे बाथरूम जाने के लिए, बाथरूम गए थे, जनेऊ बांधे थे, बाथरूम से बाहर आए अपने कमरे की ओर, गमछा पहने थे। अब मुड़ के देखे, बोले पदयात्रा कम इन। अब हरीशोरी प्रभु तो ऐसे खड़े ही, यहां से भक्त, यहां से भक्त, यहां से भक्त, यहां से भक्त, वो केवल खड़े हैं सुभद्रा जी जैसे, परंतु वो जो कथा है ना प्रसिद्ध जगन्नाथ जी वाली, वो खड़े हैं, बाकी सब भक्त यहां वहां से गए। प्रभुपाद जी बैठे, प्रभुपाद जी नाक वाक साफ किए, बैठे, बोले लोकनाथ स्वामी हाउ इज द पदयात्रा, हाउ इज भागवत, कितना वितरण हो रहा है। महाराज जी बोले ऐसे चल रहा है, ये ग्राम में ऐसे हुआ वैसे हुआ। फिर प्रभुपाद जी बोले वेयर डिड यू गो, सो लोकनाथ महाराज बोले वी वर इन दैट टाउन इन दैट विलेज। फिर प्रभुपाद बोले वो फ्रॉम देयर डिड यू गो टू दिस विलेज, महाराज हाँ हम लोग गए। देयर डिड यू मीट दिस पर्सन, ही इज ऑल्सो अ बंगाली, ठीक। डिड यू गो दिस वे, डिड यू गो टू फतेहपुर, Did you see the Gornitai Bhavan there? Did you meet Arora ji? सब नाम लिए। लोकनाथ महाराज सुन रहे थे। फिर बाद में प्रभुपाद जी को पूछे, हम अब जो जाकर जिन लोगों से मिले, जिन ग्रामों से हमारी यात्रा हुई, आप सब याद रखे, कैसे आपको पता? प्रभुपाद जी मुस्कुराए, बोले मैं ये सब ग्राम में गया हूं भागवत लेकर प्रचार के लिए।